नमस्कार सभी को, अमूल के इस लाइव कुकिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश कुमार मिश्रा घर का खाना से आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं अमूल को थैंक यू बोलना चाहूंगा मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आज जो मैं आप लोग के सामने डिश बनाने वाला हूं वो बहुत ही पॉपुलर डिश है और लिट्टी चोखा बनाऊँगा मैं आप लोग के सामने। और आप सभी जानते हैं, सभी लोग फेमिलियर होंगे लिट्टी चोखा से। इनिशियली लिट्टी चोखा एक गरीबों का खाना था और सैनिकों का खाना माना जाता था, बट आज की डेट में आप देखेंगे हर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े खाने की जगहों पे आपको लिट्टी चोखा बहुत आसानी से मिलेगा। सो आज मैं जो लिट्टी जो बनाऊंगा, आमतौर पे जो लिट्टी और चोखा बनता है वो उपलों पे, कंडों पे बनाया जाता था, लकड़ी पे बनाया जाता था, पर मैं आपको आज लिट्टी चोखा अवन और गैस के माध्यम से बनाकर दिखाऊंगा कि उसको कैसे बनाते हैं। आप कुकर में भी बाटी बना सकते हैं, बाटी मेकर आता है उस पर भी बना सकते हैं, कुछ लोग अप्पे मेकर में भी आजकल बाटियां बना रहे हैं और बहुत अच्छी बाटी बन के आती है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। मेनली हमें तीन चीज़ें बनानी होती है। एक तो जो हमारा आटा है, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं, थोड़ा सा टाइट आटा लगता है। दूसरा हमें तैयारी करनी है इसमें भरने के लिए जो सत्तू होता है, जो मसाला होता है लिट्टी के अंदर जो भरते हैं उसको, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ये। और तीसरा जो सबसे मेन पार्ट है वो है चोखा। तो चोखे के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लगा रखा है लिट्टी के लिए, ये थोड़ा टाइट लगा रखा है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा टाइट। ये थोड़ा कम पानी में गूंथना होता है अपने को आटे को, और इसको 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब इसके बाद जो इसमें भरने के लिए जो सत्तू होता है उसके लिए मैंने चने का सत्तू लिया है, मार्केट में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे जो इस लिट्टी में जाएगी, उसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप चने का सत्तू। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद ये है मिर्च का अचार। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है और यूपी बिहार में खासकर बहुत मिलता है। तो ये बड़ी बड़ी मिर्चें होती है रेड कलर की, और उसमें सरसों का और मसाला और धनिया का मसाला डाल के इसको बनाया जाता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सत्तू के मसाले में। आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, पर इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। तो इसमें इसका जो मसाला है मैं वो यूज़ करूँगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे मेरे पास हरा प्याज भी अवेलेबल था तो मैंने वो भी थोड़ा सा ले लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें बाइंडिंग के लिए। आप लोगों के कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइएगा, पूछते रहिएगा, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं फटाफट से। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके मसाले को बनाने में, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसमें प्याज भी मैंने कच्चा ही इस्तेमाल किया, लहसुन भी कच्चा है, सारी चीज़ें इसमें कच्ची हैं, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा मसाला तैयार हो गया है। इसके अंदर आप थोड़ी सी खटास अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी बाटियाँ। बाटियों के लिए कुछ नहीं करना हमें, छोटे छोटे जैसे रोटी के लिए हम गोले बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं, वैसे हमको पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के हम इसमें थोड़ी सी कटोरी जैसी शेप देंगे और उसके अंदर आप मसाला डालेंगे जो भी हमने बनाया सत्तू का। पुष्पलता जी का क्वेश्चन है कि आपने जिंजर नहीं डाला इसमें? नहीं, मैंने अदरक नहीं डाला क्योंकि मैं थोड़ा मिर्च कम पसंद करता हूँ। अदरक भी आप चॉप करके डाल सकते हैं,
मैंने ग्रीन चिली इस्तेमाल करी, जो मेरे पास ग्रीन चिली अब काफ़ी तेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे जिंजर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बाटी नॉर्मली कई शेप में बनाई जाती है, गोल भी बनाते हैं, उसके बाद चपटी भी कुछ लोग बनाते हैं, बहुत जगह फ्राई करके भी बाटी बनाई जाती है। इसको मैं गोल शेप में बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने सत्तू का मसाला भर दिया, मैं इसको ऐसे मैंने तैयार कर लिया। ऐसे ही हम और भी बाटियां तैयार कर लेंगे। तो लिट्टी चोखा का जो ओरिजिन माना जाता है, लिट्टी चोखा का जो ओरिजिन है वो मूलतः बिहार से है, बिहार से आया हुआ है। और जो लिट्टी चोखा का इतिहास है वो कहते हैं कि मगध साम्राज्य में, जब मगध साम्राज्य का एक बहुत ही फेमस डिश हुआ करता था, क्योंकि ये गरीबों का खाना था और सैनिकों का खाना था। तो जो इसका जो रिटर्न इतिहास मिलता है लिट्टी चोखा का, वो आप सोच सकते हैं मगध साम्राज्य से है, मतलब 11वीं शताब्दी, आज से 1100 साल, लगभग 1100 साल पहले का रिटर्न इतिहास है। उससे पहले से ही बनती आ रही है, पर जो रिटर्न इतिहास है वो लगभग 1100 साल पुराना है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना डिश है, और आज की डेट में हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे लिट्टी चोखा के स्टॉल्स या शॉप्स मिल जाएंगी। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी लिट्टी चोखा मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। कुछ लोगों का सत्तू के मसाले को लेके क्वेश्चन है कि इसे हमने ड्राई ही रखा है। जी हाँ, ड्राई रखा है। इसमें मैंने हल्का सा सरसों का तेल मिलाया था, आप थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा एकदम आप डाल देंगे तो थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि सरसों का तेल हमने कच्चा इस्तेमाल किया है इसमें। तो हम सब कुछ इसमें, सारी चीजें ड्राई ही है। और श्वेता जी का क्वेश्चन है कि जो मिठाई में सत्तू यूज होता है, क्या ये वही है या डिफरेंट? नहीं, चने का भुना हुआ सत्तू है मिठाई में जो नॉर्मली क्या करते हैं, आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चने का सत्तू नहीं है तो आप बेसन को भून के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, जो सूखा चना होता है उसको भून के फिर उसकी पिसाई होती है और उससे सत्तू बनता है। तो मेरी फटाफट एक और बाटी में आपको बना के दिखा सकता हूँ। इस तरह हमको कटोरे बनाने हैं, आप देख सकते हैं आटा थोड़ा हार्ड रखा है मैंने। आटा ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो लिट्टी चोखा मैंने बताया आपको सैनिकों का खाना था और गरीबों का खाना था, उसके पीछे की वजह क्या थी लिट्टी चोखा बनाने के लिए पुराने टाइम में, और आज के टाइम में भी गांव में जब बनता है तो इसके लिए ना तो किसी हमें बर्तन की जरूरत है, ना ही हमें किसी बहुत ज़्यादा रिच इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है इसमें। इसको बनाने के लिए पानी बहुत कम लगता है और फटाफट बन जाता है, और ये काफ़ी टाइम तक इसको प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है, आराम से दो दिन, चार दिन, पाँच दिन आप रख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको सफ़र में भी, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन वगैरह से, तो भी इसको लेके जाते हैं। तो देखिए आप, मैंने क्या करा है, तीनों बाटियां मेरी तैयार हैं, इसको फिलिंग करके मैंने तैयार कर रखा है। अब मैं इसको अवन में 15 से 20 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर तक इसको सेकूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें अमूल घी मैंने यहाँ पिघला के रख लिया है, हल्का हल्का इसमें अमूल घी कोट करूंगा। मैं ट्रे निकाल लेता हूँ, मैंने इसको प्री हीट पे लगाया था अवन को 10 मिनट के लिए, 180 डिग्री पे प्री हीट पे लगाया था मैंने। मैं हल्का हल्का इसमें घी लगा दूंगा, रितेश अगर आप एक बार डो की रेसिपी भी रिपीट कर देंगे, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है। डो बनाने, डो जैसे सिंपल आप रोटी के लिए डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, वैसा ही आटा गूंदना है। उसमें हल्का सा मैंने नमक डाला है और हल्की सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा टेस्ट एनहांस करने के लिए। आप अजवाइन अवॉइड भी कर सकते हैं, आप सीधा जो रोटी का आटा लगाते हैं वही आटा आपको लगाना है। हल्का सा टाइट आटा लगाना होता है इसमें, गीला नहीं, ज्यादा गीला आटा नहीं चाहिए, हमें टाइट आटा ही चाहिए। मैंने ओवन को प्रीहीट करा था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ओवन में सेकूंगा ताकि हमारी लिट्टी पक जाए। इसको आप कुकर में भी सेक सकते हैं, कुकर में भी बहुत लोग सेकते हैं,
मैं इसको कन्वेक्शन मोड पे डाल रहा हूँ 180 डिग्री पे, 20 मिनट के लिए मैं डाल रहा हूँ इसको। वैसे 15 मिनट में हो जाएगी, लेकिन मैं अभी के लिए मैं 20 मिनट के लिए लगा रहा हूँ। 15 मिनट में हो जाती है ये नॉर्मली। रितेश ज्योति जी का क्वेश्चन है कि क्या आप नॉर्थ इंडियन हैं, क्योंकि आपका एक्सेंट नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से ही हूँ मूलतः मैं। अगर आपने पटोरा का नाम सुना हो या कुशीनगर का नाम सुना हो, जहाँ पे गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी उन्होंने समाधि ली थी, मैं वहाँ से हूँ, पटोरा से। कुछ लोग गोरखपुर भी अच्छे से जानते हैं, तो मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ। अब हमारी लिट्टी जो है वो ओवन में जा चुकी है, ये 15 से 20 मिनट तक सिकेगी। अब हम बढ़ते हैं चोखा बनाने की ओर। चोखा बनाने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे बैगन, टमाटर और आलू, उबले हुए आलू है मेरे पास। बैगन और टमाटर को मैंने गैस पर ही सेक लिया है और उसका छिलका उतार लिया है। आमतौर पे गांव में क्या करते हैं लोग, उपलो पेन को सेकते हैं, उनका छिलका उतार के कर लेते हैं, पर यहाँ पे इजिली गैस पे भी हो जाता है, तो मैंने इनको गैस पे सेक के और इसका छिलका उतार लिया है। सबसे पहले मैंने बैगन लिया है, इसको हल्का सा रफली चॉप कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी पक चुका है। रितेश रुचिता जी का क्वेश्चन है कि हमने माइक्रोवेव में कौन सा मोड सेलेक्ट किया है। कन्वेक्शन मोड। मैंने बैगन डाल दिया चोखे में, उसके बाद मैं आलू मैश करके डाल दूंगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अगेन वही जो हमने सत्तू में जो 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 सारी चीजें डाली थी, वही सारी चीजें चोखे में भी पड़ेगी। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, हल्का सा हरा प्याज अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक यूज कर सकते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चोखे में, वो है सरसों का तेल, और वो भी कच्चा सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, जिससे इसमें एक सोंधापन और एक चटकपन तीखा हल्का सा आता है। सरसों का तेल हम आप सभी इस्तेमाल करते होंगे अपने खाने में। सरसों का तेल डालना बहुत जरूरी है चोखे में, और इसको बिल्कुल हाथ से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लिट्टी चोखा जो था वो गरीबों का खाना था, और क्या नाम है, सैनिकों का खाना था। लिट्टी चोखा से जुड़ी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि लिट्टी चोखा ने जो 1857 की क्रांति थी उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो ये क्रांतिकारी और जो ये लोग योद्धा थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये उनके सैनिकों का भी खाना था, तो वहाँ पे भी लिट्टी चोखा बनता था। और क्योंकि बहुत इजीली बन जाता था, कोई बर्तन नहीं चाहिए था, कंडों पे बनता था, और इसके लिए कोई बेस बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं थी, तो बहुत इजीली ये बन जाता था। आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैगन जो मैंने सिका हुआ बैगन, अब इसमें मैंने जो ये टमाटर ये इसको भी सेक लिया था गैस पे, इसको भी बिल्कुल हाथ से ही, क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है, बस डाल के इसमें मुझे मिक्स कर देना है। हमारा चोखा जो है वो तैयार है। आप इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और खट्टा चाहिए। इसमें बहुत ही सिंपल रेसिपी है चोखे की, बैगन, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, कच्चा प्याज, हरा प्याज अवेलेबल हो आपके पास तो आप इसको डाल सकते हैं, और बहुत ही ईजिली हमारा चोखा भी बनके तैयार हो गया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, लिट्टी चोखा बनाने के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए थी। सबसे पहले हमने आटा लगा लिया, आटा गूंद लिया, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, उसमें हल्का सा नमक और अजवाइन मैंने डाला है थोड़ा सा, अजवाइन आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और आटा थोड़ा सा मैंने टाइट लगाया था उसके लिए। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ तैयार करनी थी, जो हमारे इसके अंदर की फिलिंग है, जो कि चने का जो भुने हुए चने का सत्तू होता है, उसमें मैंने नमक, आपका हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, मैंने ग्रीन और नॉर्मल वाला प्याज दोनों इस्तेमाल किया, हल्का सा धनिया पत्ता, और मिर्च का अचार, जो लाल मिर्च का अचार होता है नॉर्थ इंडिया में बहुत मिलता है,
वो मैंने इसमें डाल के और हल्का सा सरसों तेल का भी इस्तेमाल किया इसमें, और वो सारा कुछ मिक्स करके मैंने इसकी फिलिंग बनाई। फिर मैंने, जैसे आप पराठे बनाते हैं या पूरी बनाते हैं भरी हुई पूरी, जिस तरह से उसकी फिलिंग करते हैं, मैंने सेम वे में उसकी फिलिंग कर दी आटे में, बाटी में। और उसके बाद मैंने अवन को क्या करा था, 10 मिनट के लिए प्री हीट पर रखा था 180 डिग्री पे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, आप कुकर के अंदर भी इसको बना सकते हैं। कुकर को पहले थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, प्री हीट कर लीजिए, और उसके बाद सीटी निकाल के आप बाटियां रखिए और बिल्कुल मध्यम आंच पे इसको धीरे धीरे सिकने दें। उसके बाद मैंने चोखा बनाया। चोखा बनाने के लिए जो मैंने बैगन था, बैगन, आलू और टमाटर बेसिक मैंने यूज किया हुआ है। आलू मैंने बॉईल करके रखा था, टमाटर और बैगन को मैंने गैस पे सेक लिया था और उसके बाद उसका छिलका उतार के रख लिया। उसके बाद चोखा बनाने के लिए हम बैगन, आलू, टमाटर, लहसुन, मिर्च, प्याज, धनिया, ये सारी चीजें डाल के और इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और सरसों का तेल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कच्चा सरसों का तेल, वो डाल के मैंने चोखा हमारा तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चोखा तैयार है। सत्तू जो है वो मैंने ऐसे बना रखा था, जो सत्तू का मसाला मैंने बनाया था, और आटा थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो लिट्टी चोखा से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। लिट्टी चोखा यूपी बिहार में आपको बहुत मिलेगा, आजकल तो महाराष्ट्र में भी, हर जगह, मतलब ऑल ओवर इंडिया मिलता है लिट्टी चोखा। सिमिलर वर्जन लिट्टी चोखा का राजस्थान में दाल बाटी चूरमा भी बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा। वहाँ पे बाटी नॉर्मली स्टफ करके नहीं बनाई जाती, बहुत लोग नॉर्थ इंडिया में भी बिना स्टफ वाली बाटी खाना पसंद करते हैं। तो वहाँ जो राजस्थान में है वो बाटी सूखी बाटी बनती है, और बाटी के साथ दाल होती है अपने चने की, या चने की अरहर की दाल भी खाते हैं, और चूरमा होता है। चूरमा भी एक तरीके से आटे से ही बनता है, उसको रोटी सेक के या भून के पूरी सारी चीज़ बनाते हैं। तो दाल बाटी चूरमा राजस्थान में क्यों फेमस था, क्योंकि बाटी क्या होता था वहाँ पे, अगेन पानी की कमी थी पहले, और सिमिलर वे में वहाँ भी सैनिक खाते थे और गरीब तबके के लोग इसको खाते थे। तो वहाँ राजस्थान में एक तो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या करते थे, ऐसे ही आटे की लोइयाँ बना बना के और रेत के अंदर उसको दिन में दबा देते थे, और बाटी आराम से रेत की गर्मी में 2 से 3 घंटे में बन के तैयार हो जाती थी। तो ना किसी ईंधन की ज़रूरत थी, ना ही किसी बर्तन की ज़रूरत थी, पानी बहुत ही कम लगता है आटे में, तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी हेल्दी भी ऑप्शन था और काफ़ी टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रख भी सकते थे। तो इस तरह से दाल बाटी चूरमा है वो राजस्थान में भी बहुत फेमस है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में फ़र्क इतना है कि बाटी को लिट्टी बोलते हैं, लिट्टी में स्टफिंग होती है सत्तू की, और चोखा हम जो बनाते हैं वो आलू बैगन ये मैश करके बनाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगा, उससे पहले कोई क्वेश्चन हो श्रेया तो आप बिल्कुल पूछें। नजूफर की ओर से क्वेश्चन था कि हम पिकल कोई और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप खटास के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, आप आमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं, इसमें मिर्च का अचार इसलिए यूज करते हैं, इसमें धनिया पाउडर और सरसों का मसाला, ये सारे मसाले बना के उसके अंदर मिर्च के अंदर स्टफ किया जाता है, और सरसों के तेल में इसको काफी टाइम तक इसको धूप दिखाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, मतलब वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, जैसे नॉर्मल तौर पे आम का अचार बनाने का प्रोसेस होता है वैसे ही होता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। और अदिति जी का क्वेश्चन था कि क्या हमने आटे में मोइन डाला है? नहीं, आटे में इसमें मोइन डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उपलों पे पकती है नॉर्मली, यहाँ मैं अवन में यूज पका रहा हूँ, आप कुकर में भी बना सकते हैं, मोइन डालने की कोई जरूरत नहीं है, मोइन नहीं पड़ेगा। घी का इस्तेमाल हम करेंगे, अमूल घी का इस्तेमाल करेंगे, जब हमारी बाटी सिक जाएगी, लिट्टी सिक जाएगी, उसके बाद हम उसको घी में अच्छे से डुबो के और फिर हम इसको सर्व करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को तेल घी या इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है वो बिल्कुल बिना घी के इसमें वो मजा नहीं आता जो घी के साथ आता है। और ख्याति जी का एक क्वेश्चन है कि क्या चोखे में कोई मसाला या तड़का नहीं? नहीं, नहीं, मैंने कोई, ये बिल्कुल जो ऑथेंटिक चोखे की रेसिपी है वो यही है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई भी कर लेते हैं, जैसे आपने बैगन था, आलू था, तो प्याज टमाटर को हल्के से तेल में या सरसों के तेल में सौते करके उसको फ्राई कर लेते हैं, तो फ्राई चोखा भी कई जगह खाया जाता है। कई जगह लोग आलू नहीं खाते तो सिर्फ बैगन का चोखा, आलू का चोखा लोग अलग अलग बनाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि आलू जो है वो आलू इंडिया में बहुत बाद में आया, आलू लगभग 18वीं शताब्दी में इंडिया आया, उससे पहले आलू था ही नहीं इंडिया में,
और उससे पहले चोखे में नॉर्मली बैगन का इस्तेमाल होता था, और नॉर्मली जो बाकी कंद इंडिया में अवेलेबल थे उस टाइम पे, जैसे अरवी हुआ, सूरन या ओल बोलते हैं, वो सारी चीज़ें बना के खाते थे। बट उनमें दिक्कत ये थी कि वो गले में लगते थे थोड़ी सी, जो आप लोग जानते होंगे अरवी या सूरन गले में काफ़ी लगता है, तो उसको रिप्लेस किया आलू ने। और आज आप देख सकते हैं आलू हर घर के मतलब किचन की शान है, और हर घर में लगभग लगभग एक टाइम तो आलू बनता ही बनता है। तो उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया आलू ने, और आज हम आलू बैगन का चोखा बड़े चाव से खाते हैं टमाटर के साथ। शैली जी सेइंग यू हैव सुपर्ब नॉलेज। थैंक यू सो मच। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया इंडियन नहीं है, बहुत सारी सब्जियां जैसे टमाटर भी इंडियन नहीं है, आप लोग को जान के कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग को जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं टमाटर भी जो है वो इंडियन नहीं है, ये भी हमारे पास बाहर से लोग लेकर आए, और आज हर किचन में इंडियन किचन में बिना इन सब्जियों के काम नहीं चलता। और हमने इन इन सब्जियों को अपनाया, सबसे बड़ी बात ये कि हमने इनको बहुत प्यार से अपनाया और अपने खाने का एक अभिन्न जो हिस्सा है वो बना लिया। तो हमारी बाटी लगभग लगभग सीख गई है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बाटी है ये पक गई है अंदर से, अवन में इसको डालने का मतलब सिर्फ ये था कि बाटी जो आटा है इसका वो अंदर से अच्छी तरीके से सिक जाए। अब हम इसको जो नेचुरल क्रस्ट होता है लिट्टी जो उपलों पे सिकती है उसका जो नेचुरल क्रस्ट है वो देने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ गैस पे हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, ताकि वो जो हमारा क्रस्ट है वो आराम से आ जाए इस पे। आप देखेंगे बिल्कुल 10 से 15 सेकंड तक मैं इसको रोल करूंगा और इस पे बहुत अच्छा प्यारा सा बिल्कुल उपले पे जैसा सिकता है वैसा क्रस्ट आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जिनके पास अवन या माइक्रोवेव नहीं है वो ये ना सोचे कि बाटी और तरीके से नहीं बन सकती है, आप इसको कुकर में बना सकते हैं, आप इसको पैन में बना सकते हैं, बहुत आराम से बन जाती है बाटी, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि ये बन नहीं सकती। एक अच्छा सा देखिए, आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल उपले पे सिकती है, जैसा क्रस्ट आना चाहिए वैसा क्रस्ट बिल्कुल आ गया है। मैं इसको यहाँ पे मैंने अमूल घी को पिघला के रखा हुआ है, मैं इसको इसमें डिप कर दूंगा और अपनी आगे की बाटियां सिमिलर वे में सेक लूंगा। का और क्वेश्चन हो तो पूछते रहिएगा। आई होप सभी लोग ये रेसिपी पसंद कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में ट्राई करेंगे, एक बार खा के देखिए आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आपने कभी लिट्टी चोखा नहीं खाया है तो आपने सिर्फ सुना है तो इसको प्लीज ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप मुझे मैं श्योर हूँ कि आप इसको बार बार बनाएंगे अपने घरों में। एक क्वेश्चन था कि हमने कितने मिनट इसे अवन में बेक किया है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट, आप 10 मिनट भी वो कर सकते हैं, 15 मिनट में भी हो जाती है। सिर्फ जो इसके पीछे का रीजन है वो सिर्फ ये है कि जो आटा है, जो आटे का डो था वो अच्छे तरीके से पक जाए। 10 मिनट में भी हो जाती है अगर आप आपका जो आपकी जो लिट्टी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मीडियम साइज की है। अब मैंने इसको अच्छे से घी में आप देखेंगे डुबो लिया है, अमूल घी हो तो बात ही अलग है। मैं नॉर्मली खाने में अमूल या तो मैं घर पे ही बनाता हूँ घी, और अगर बाहर से लेना है तो मैं अमूल घी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये शुद्ध होता है और कोई मिलावट नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं प्लेटिंग की तरफ। शैली जी का एक क्वेश्चन है कि हमने माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन किया या ओनली कन्वेक्शन। तो प्लेटिंग के लिए आप देखिए पहले से ही मैंने ग्रीन चटनी नॉर्मली सबके घरों में बनती है, मैंने इस ग्रीन चटनी को बनाने के लिए इसमें कच्चा आम, धनिया, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च, हल्का सा नींबू और नमक
ये सब डाल के हरी चटनी, सबको पता है हरी चटनी की रेसिपी, तो मैंने ये हरी चटनी बना के पहले से रखा था। दाल बहुत जगह खाते हैं, जैसे राजस्थान में दाल खाते हैं बाटी के साथ, तो मैंने दाल हल्की सी बना के पहले से ही रख रखी थी। इसको मैंने हरे प्याज और धनिया से गार्निश कर लिया है। सैलेड के लिए मैंने थोड़े से गाजर और मूली मैंने डाल रखा है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चोखा, गार्निशिंग के लिए मैं हल्का सा हरा प्याज और धनिया का इस्तेमाल करूंगा। अब इसके ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल जरूर डालें। उसके बाद जो हमारी बाटी तैयार है वो बाटी हमारी प्लेट पे आ जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारा जो लिट्टी चोखा की रेसिपी थी वो झटपट आधे घंटे में तैयार हो गई। इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ प्री प्रिपरेशन आपको ये करना है कि आपको जो बैगन है और टमाटर है वो गैस पे आपको सेकना है, उसमें भी 5 मिनट के अंदर ही सीख जाती है बहुत अच्छे से। आलू बॉईल करने हैं, बाकी जो आटा लगाना होता है या सत्तू का मसाला 1 मिनट में तैयार हो जाता है। झटपट बनने वाली रेसिपी है, आधे घंटे में आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आप एक साथ बना सकते हैं और आप ये देसी लिट्टी चोखे का प्लेट देख सकते हैं। आई होप सभी इसको देखने के बाद ट्राई ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उन्होंने उनका कैसा बना। और ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और अपने कोई क्वेश्चंस हो जो अगर किसी कोई नहीं पूछ पाया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आंसर करने का। थैंक यू सो मच अमूल, ये मेरा अमूल के साथ चौथा सेशन था और मुझे मौका देने के लिए। ये थी आप लोगों के सामने लिट्टी चोखे की रेसिपी, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। बाय बाय।